चलिए बच्चों, कल मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ में मैंने आपको बताया कि बी एल वी ए इज इक्वल टू माइनस बी एल वी हमारा फॉर्मूला निकल करके आ गया था, ठीक है ना। आज इसको आगे करते हैं, देखिए कल कहाँ तक बातें हो गई थी। यस, अब ये लाइन पढ़नी। तो सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर क्यों क्रिएट हुआ ईएमएफ? तो क्रिएट ये हुआ क्योंकि एरिया बदल रहा था, डीए बाई डी टी। बोलो, ये जो आपने कल बोला था ना कि लेंथ में ब्रेथ में वेरिएशन होगा, तो ब्रेथ में नहीं होगा, लेंथ में वेरिएशन। यस, वो क्यों होगा? क्योंकि ये स्लाइड आगे हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लेंथ आएगी वो तो चेंज होगी ना। पहले ये बाहर था तो लेंथ कम थी, जब अंदर आएगा तो लेंथ बढ़ती नहीं जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आ रही है। जब ये बाहर था लूप, ये लूप बाहर था, अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी लेंथ है? बस जो जीरो है ना के बराबर। अब जब ये अंदर जाएगा लूप तो लेंथ में वेरी नहीं होगा, ये लेंथ नहीं दिख रही है अंदर जाते हुए तुम्हें, ये वाला पार्ट बस वही तो वेरी हो रही है। सेम तो है, उधर भी वो थी लेंथ और उतनी ही तो उधर पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी कि नहीं थी? नहीं थी मतलब किससे है? मैग्नेटिक फील्ड। पहले एरिया मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर रहा था, अब एरिया मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है, उसी से मतलब है। चलिए तो बच्चों बात करते हैं, द लूप पी क्यू आर एस इज स्लाइडेड इन टू द स्पीड यूनिट, होगा ना, लेंथ इक्वल टू वी डी टी, क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल इक्वल टू वी डी टी। द लूप पी क्यू आर एस इज स्लाइडेड इन टू द यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द चेंजेस और इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द क्वाइल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड इज डी ए इन टाइम डी टी, दिस कॉज एन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जैसे ही लूप अंदर की तरफ आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है, समझ में भी आ गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। अब बच्चों देखिए ये आ गया, इज बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एल वी। याद रखना डायरेक्टली मोशनल ई एम एफ के नाम से डेरिवेशन आता था, खैर अब तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। द इंड्यूस ई एम एफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप इज सो कॉल्ड मोशनल ई एम एफ, ठीक है। इस तरीके से जो इंड्यूस ई एम एफ होता है उसको हम मोशनल ई एम एफ बोलते हैं। इफ द लूप इज पुल्ड आउट, अगर देखो अंदर जा रहे हो तो माइनस बी एल वी है, बाहर जाओगे तो क्या होगा? प्लस बी एल वी, क्योंकि पता है ना कि करंट अपोजिट हो जाती है अंदर बाहर करने पे। तो अगर अंदर जा रहे हो तो ई एम एफ माइनस बी एल वी है, तो बाहर आने पर क्या होगा? प्लस बी एल वी। अब सवाल क्या है आपका? अब सवाल ये है कि सर देखिए लूप क्लोज है आपका, और लूप क्लोज है तो सर इसमें करंट भी फ्लो होगी, क्योंकि आप कहते आ रहे हो हमेशा से कि ई एम एफ क्रिएट होगा तो करंट भी क्या होगी? फ्लो होगी लूप में। तो सर जैसे ही लूप को अंदर ले जाएंगे तो करंट भी तो फ्लो होगी फ्लक्स के चेंज होने के कारण। एक मिनट, तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण करंट भी फ्लो होगी। आपको ये बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी? तो मैं जरा सा बता रहा हूँ कि कहाँ पर बनाने की कोशिश करो। ये देखो जैसे मान लो ये वाली आपकी लिंब है, तो इस लिंब पे बताइए जैसे तुम बाहर खींचते हो इस लूप को, पहले कैसे था? अंदर एकदम बाहर था, अब जैसे आप अंदर खींच करके लेके आए हो तो इस लिंब में पकड़ लो या इस लिंब में पकड़ लो, बताओ करंट कैसी फ्लो होगी? दो रास्ते हैं आपके पास, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, इस नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको एक रूल बताया गया था 10th क्लास में इंड्यूस करंट के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है ना। तो खैर वहाँ का रूल आप भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं है, तो एक बार फिर से यहाँ पे आपको रूल मैं बता रहा हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अगर आपको पता है तो आप जो करंट की डायरेक्शन ईजिली पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए लास्ट वाली लाइन, हाँ मोशनल ईएमएफ हो गया, लूप की बात भी होगी, इक्वल टू बी एल वी, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, मतलब जो करंट जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, 12 के बाद 3 बचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट इस तरीके से चल करके ऊपर से चल करके इस तरीके से घूमेगी। एक मिनट मैं पेन ले लूँ, ये ले लिया मैंने पेन, करंट यहाँ से चलेगी और इस तरीके से घूम करके नीचे आएगी। अब सवाल आपका ये है सर कैसे आएगी, बस ये बता दो हमें। तो आपको मैं बता देता हूँ, अपने अपने राइट हैंड ले लो भाई, अपने अपने राइट हैंड ले लो, और किसी एक लिंब को पकड़ लो, चाहे इसको इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, चलो अपन जो है इस वाली को लिंब को पकड़ लेते हैं, ये वाली लिंब को, ठीक ना, ये वाली लिंब को पकड़ लो इसको, ठीक है।
देखो अब अपना राइट हैंड ले लो, जो आपकी मेन फिंगर होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मेन फिंगर, फोर फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करो, अपने मोबाइल की स्क्रीन को फोड़ते हुए अंदर ले जाओ, है ना। ये ले गए, अब देखो ये जो अंगूठा है ना बच्चों, अंगूठा 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 अंगूठा, इसमें मालूम क्या कहलाता है? अंगूठा इसमें कहलाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंगूठा इसमें कहलाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। तो यार डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको आप कहाँ की तरफ खींच रहे हो? लेफ्ट साइड खींच रहे हो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड खींच रहे हो। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट साइड खींच रहे हो, तो करंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है। ओ ये क्यों हो रहा है भाई? और मैंने यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज लिख रखा है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं चलूँगा तो करंट की डायरेक्शन तो नीचे से ऊपर आनी थी। करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर आनी थी, तो शायद मैंने गलत लिखा है क्या यहाँ? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, दैट इज पी डैस। पी डैस कहाँ है? ये पी डैस, पी डैस के बाद एस डैस, एस डैस के बाद एस, पी डैस, एस डैस, आर डैस, क्यू डैस और फिर पी डैस। हाँ मतलब इस तरीके से डायरेक्शन हो रही, मतलब मैंने डायरेक्शन बनाने में कोई गलती नहीं करी है। एक मिनट, रुक जाइए। अगर थोड़ी देर समय के लिए इस लूप, इस वाले तार को छोड़ दो, इस वाले तार को पकड़ लो, चलो इस वाले तार को पकड़ लो, इसमें ऊपर दिख रही है, एक्चुअली ये तार अपन को पकड़ना था। उसका रीज़न शायद ये है कि जैसे तुम देखो, शुरुआत में तुमको समझ में आएगा। हाँ ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो खिसक खिसक करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इफेक्टिवली जो ज़्यादा सफ़र किया है चेंजेस, वो इसने सफ़र किया, इस वाले पार्ट ने। तो हमें इस वाले पार्ट में निकालना है, तो पहले निकाल करके देखते हैं, फिर आपको मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा क्या है। तो आप जो है लेफ्ट वाले पार्ट में, जो है लेफ्ट वाला पार्ट, उसमें डायरेक्शन देखने की कोशिश करो। इंक सॉरी इरेज कर दी। अब चलो ये खिसट करके गया, ठीक है भाई गया। निकालो राइट हैंड रूल अपना, फिर से राइट हैंड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ। अंगूठा लेफ्ट साइड, क्योंकि खींच रहे हो। यस अब करंट गई। हाँ तो बच्चों इसी से निकलेगी, बिल्कुल सही। ये देखिए जा रही है, तो ये डायरेक्शन ये बनेगी, एक्चुअली ये बनेगा इसका डायरेक्शन। सो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा। तो कैसे बताया था मैंने, देखिए आपकी मिडिल फिंगर, सॉरी मेन फिंगर आपकी अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, सामने की तरफ कर दो। खींच कहाँ रहे हो? देखो लूप को इस तरफ खींच रहे हो, तो इधर भी इसमें फोर्स लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो आपका जो अंगूठा है उसको लेफ्ट कर दो। और आपकी जो जो मिडिल फिंगर जा रही है, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है, तो इस तरीके से डाउनवर्ड है। तो ये आपका करंट की डायरेक्शन इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। कौन सी लाइन? अरे भाई देखो, अभी लूप की डायरेक्शन, अभी लूप को आप कहाँ ले गए थे? यहाँ से यहाँ ले गए थे, बोलो। हाँ तो लूप को यहाँ से यहाँ ले गए, तो ईएमएफ कितना क्रिएट हुआ? माइनस बीएलवी। जब वापस उल्टे डायरेक्शन में लेकर के आओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट होगा, तो बीएलवी हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि आपको पता है ना पोलरिटी बदल जाती है आगे पीछे जाने में। तो इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन हो गई। बताइए बच्चों, सभी को क्लियर है करंट की डायरेक्शन की नहीं है? यस सर ठीक, ओके। तो अब इस बात को अपन जो है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो हो चुका ना? हाँ ये वही है। अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पता है भाई ये तो लेंज रूल है। हियर द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप इंक्रीज इन एरिया ऑफ द क्वाइल, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द क्वाइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दे आर फोर द मोशन ऑफ द लूप इज टू बी अपोज, सो द करेंट इज सेटिंग इट सेल्फ सच दैट बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर आर्म पी एस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स टू द राइट वेर एस द लूप इज ट्राइंग टू मूव द लेफ्ट। एक मिनट, यस पी एस की बात हो रही है। पी एस पी एस पी एस पी एस कहाँ है? ये ठीक पीएस वाला पार्टी है। चलिए ठीक है। हाँ अब वो जो हम गलती कर रहे थे ना, उसका खुलासा हो गया। वो गलती जो है उसकी, वो गलती क्यों हो रही थी? देखो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस लूप को हम
यहाँ खींच रहे हैं, हम अपनी जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल वो इस लूप को हम यहाँ खींच रहे हैं। इस लूप को यहाँ की तरफ खींचने में एरिया क्या हो रहा, बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात इस लूप को पसंद नहीं है क्योंकि एरिया बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये जो अपना कंडक्टर है ये कुछ उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिससे कि एरिया ना बढ़े। तो हमारा लगाया गया फोर्स इधर है, तो इसका लगाया गया फोर्स कहाँ होगा, इधर होगा, एक्चुअली ये होगा। अब आप इसमें राइट हैंड रूल लगाओ तो आपकी जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। एक बार फिर से राइट हैंड लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो फोर्स लग गया दाएं साइड, और अब देखिए आपकी जो फिंगर है वो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अब बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो करंट है वो बिल्कुल ऐसी जा रही, तो ऐसी जाएगी इधर, इधर घूमेगी यूँ और इधर जाएगी यूँ। तो अब बिल्कुल सही हो गया कंसेप्ट यहाँ पर हमारे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रही है, क्योंकि इसका जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है तो ये वाली जो लिम्ब है ये क्या करेगी, अपोज करेगी। इसमें वो लेंथ का दिमाग नहीं लगा सकते, कुछ चेंज इन लेंथ भी हो रहा है तो उससे क्या होगा, चेंज इन लेंथ से क्या हो रहा है, आपने बोला था एरिया का चेंज है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ तो है, एरिया का चेंज है, ठीक है। तो ये हो गया अगेंस्ट, हाँ ये वाली लाइन हो गई। Therefore, this motion of the loop has to be opposed. So the current is setting itself such that Fleming left-hand rule, the conductor RPS experience a force to the right. हाँ, whereas the loop is trying to move itself at left. बाहर वाला आदमी अपनी ताकत लगा के उसको लेफ्ट में घसीट रहा है, मगर ये जो अंदर लूप का लिम्ब है ये अपने आप को कहाँ एडजस्ट करना चाहेगा, राइट में। तो उसकी वजह से इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, समझ में आया। सवाल उठती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, भाई देखो आप फोर्स बाहर लगा रहे हो और ये फोर्स पीछे लगा रहा है, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए आपने क्या किया होगा, मैकेनिकल वर्क किया होगा, यही जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगेंस्ट दिस फोर्स मैकेनिकल वर्क इज डन विच इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा चलो अगला सवाल बताओ बच्चों, ये बताओ कि अगर ये लूप जो है कम्प्लीटली अंदर चला जाए मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे अभी चला गया और रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप चला गया है, थोड़ी देर तक रखा हुआ है, अब आप खिसका विस्का नहीं रहे हो, तो बताओ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वही बात हो जाएगी क्योंकि अब तो फ्लक्स सेट हो गया ना, बदल थोड़ा ना, चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा है, तो अब जो है उस पर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नोट वाला पॉइंट पढ़ो हंसिका, इफ द लूप, इफ द लूप इज कंप्लीटली इन द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड then there will be will not be any change in magnetic flux and so there will be will not be induced current in the loop. बिल्कुल सही बात है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी लूप के अंदर क्योंकि कोई ईएमएफ ही नहीं बनेगा। अगली बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बच्चों वही है लेफ्ट हैंड रूल में आपने पढ़ा था, है ना, अंगूठे को फोर्स बोलते थे, है ना, मेन फिंगर को मिडिल, इसको बोलते थे अपन मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोलते थे करंट, डेवलप करंट। तो बस फर्क यहाँ पे आ गया है कि वो जो चाइल्ड है उसको इंड्यूस करंट बोलोगे। पिछले बार आपको आउटपुट में फोर्स मिल रहा था, मतलब आप करंट दे रहे थे, फील्ड दे रहे थे लेफ्ट हैंड रूल में, तो आपको फोर्स मिल रहा था। इस बार आप फोर्स दोगे और फील्ड दोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। नहीं वो एडी करंट नहीं है, एडी करंट अपोजिंग है, मगर तब होती है जब कंटिन्यूस पाथ मिले, यहाँ तो खोखला है, कहाँ से एडी करंट बन जाएगी, एडी करंट गोल गोल घूमती उसी अपने अपने आजू बाजू, सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड ठोस कोई भरा हो अंदर। चलिए बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो अपना राइट हैंड निकालिए सभी लोग और राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अरेंज करिए यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए इनपुट क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आप फोर्स लगा रहे हो, आपके पास कोई क्वाइल है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसको फोर्स लगा रहे हो, मतलब घसीट रहे हो, तो जो इंड्यूस होने वाली करेंट होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ योर मिडिल फिंगर, और दोनों तीनों उंगलियों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेगा तभी ये रूल लगेगा। रूल पढ़ो हंसिका, इफ द सेंट्रल फिंगर, इफ द सेंट्रल फिंगर फोर्स फोर फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द फोर फिंगर पॉइंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स, the central finger points to the direction of induced current in the conductor. In the conductor, ठीक है ना? तो दो इनपुट हैं, मतलब आपने दिया क्या क्या, लगाया क्या अपनी तरफ से, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और फोर्स लगाया है,
तो अगर ये दो चीज़ें आपकी इनपुट हैं तो करंट आपकी एज अ आउटपुट मिलेगी आपको, समझ गए ना। देन है ना, थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन, देन सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो आपकी जो सेंट्रल फिंगर होगी वो कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताएगी। चलिए बच्चों ये हो गया। अगला डेरिवेशन बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको क्या कहा, हमने आपसे कहा कि फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो मैंने कहा फाई को बदलना है टाइम के रिस्पेक्ट में, या तो बी को बदलो या तो ए को बदलो या तो कॉस थीटा को बदलो। बी को बदलने वाला क्वेश्चन तो आज कर लिया एग्जांपल में, क्लास की शुरुआत में याद करो, 4b0 से लेके 3b0 बदल गया था ना, बिल्कुल सिंपल। तो वो तो बहुत सिंपल था, एरिया बदल लिया, अब क्या बदलेंगे, थीटा बदलेंगे, कॉस थीटा बदलेंगे। अब हम एंगल बदलने वाले हैं। तो बच्चों हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो, लिखो डेड्यूस द रिलेशन ऑफ ईएमएफ, डेड्यूस मतलब डेवलप करो द रिलेशन ऑफ ईएमएफ व्हेन अ क्वाइल रोटेट्स इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई क्वाइल किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो उसके लिए भैया ईएमएफ का रिलेशन डिराइव करो। चलो करते हैं रिलेशन डिराइव। अगर कोई क्वाइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है तो ईएमएफ का रिलेशन डिराइव करते हैं। अब जिनको मतलब इसका डायरेक्टली रिलेशन याद करना है वो पहले ही लिख लें, ई इक्वल्स टू ई नॉट, आई थिंक कॉस ओमेगा टी आता है ना, ई इक्वल्स टू ई नॉट, दो होते हैं हाँ, कॉस ओमेगा टी लिख लो, साइन ओमेगा टी सॉरी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लो लिख लो, नोट कर लो पहले ही, ई इक्वल्स टू, अरे रुक तो जाओ भाई, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले नोट कर लो आप लोग। क्यों नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव पेपर है सर, हमने डेरिवेशन करना ही नहीं है, सीधे देख करके चले जाओ, कुछ ना बने फिर भी नंबर आ जाएंगे। तो अब ये टेक्निक थोड़ी सी हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, थोड़ा सा हल्का होगा बोझ डायरेक्टली। हाँ, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब बोले सर ओमेगा कहाँ से आ गया, थीटा तो था अभी, अभी ओमेगा कहाँ से आ गया, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूँ। क्लास एलेवेंथ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल टी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा टी। तो नोट कर लो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी कॉइल की क्या होती रही किसी चीज़ की, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वही सीधे चला हुआ एंगल अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बन गया। तो अब ओमेगा टी की चिंता छोड़ दीजिए, हाँ एंगुलर वेलोसिटी थी ना ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी तो ही कहते थे ओमेगा को, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बन गया। जय समझ में आ रहा है, यस सर। यशराज बेटा बन रहा है, यस सर। अब देखो यशराज तुम एक भी दिन नोट्स नहीं बनाते हो, न्यू नोट्स बनाओ बेटा, कम से कम फॉर्मूले ही लिखना शुरू कर दो। तुम ज़्यादा ना भेजो तो फॉर्मूले जितने आ रहे हैं लास्ट लास्ट में उनके नोट्स बना के भेजो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में अब ये नहीं कि थ्योरी कितनी आ रही है, फॉर्मूले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए देखिए पढ़ते हैं। अब क्या हो क्या रहा है पहले फीलिंग ले लो इस चीज़ की, ये तो ठीक है ये सब तो मैं पढ़ा दूंगा आपको बता दूंगा, अब हो क्या रहा है पहले फीलिंग देख लो। थीटा बदल रहा है, फाइज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। अब बी नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा, केवल कॉस थीटा बदलेगा। कॉस थीटा क्यों बदलेगा, क्योंकि थीटा बदलेगा। अब थीटा कैसे बदलेगा इस चीज़ को देख लो, क्लास टेंथ वाली डायग्राम याद करो, क्लास टेंथ में आप याद करो ऐसा कुछ डायग्राम आपने पढ़ा था, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल रखी हुई है, ये देखो उसको रोटेट कर रहे थे अपन, बिल्कुल रोटेट कर रहे हो बच्चों, समझो अच्छे समझना। अभी देखो ये क्वाइल रखी हुई है सामने फ्लैट है, तो इसका नॉर्मल हमारी तरफ आ रहा है, ये देखो ये नॉर्मल इसका हमारी तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हाँ किताब के खुली किताब के जैसे। अभी ये एंगल कितना है हमारे सामने 90 डिग्री, अभी हमारे सामने 90 डिग्री एंगल है, देखो
अब बच्चों लोगों, ये कॉयल घूमना शुरू हुई, फीलिंग करना, ये कॉयल घूमना शुरू हुई, चें आगे की तरफ घूमना शुरू हुई। तो ये जो किताब अपने सामने, मोबाइल या किताब रख लो, उसको दाईं तरफ दबाओ, मतलब इसको पीछे की तरफ करो और ये वाला फ्लैप आगे की तरफ लाओ। तो देखो आगे की तरफ लाओगे, नहीं अभी इतना नहीं मोड़ दो, हाँ इसको मोड़ना शुरू करो। देखो समझो अच्छे से, इसको जैसे मोड़ोगे तो ये जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा, देखो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और जब क्वाइल टोटली मुड़ करके उस तरफ हो जाएगी, मालूम कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी ना, हाँ ऐसी दिखेगी, आड़ी होगी क्वाइल, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलोंग में हो जाएगा। बोलो यस और नो, समझ में आया, सच सच बताओ कि नहीं आया। यस सर। हाँ भाई सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, एक काम करो अपने सामने किताब किताब रख लो, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट रख लो एकदम अपने सामने। यस सर। हाँ नॉर्मल देखो, तुम्हारी तुम्हारे बिल्कुल सामने आ रहा, चेहरे की तरफ नॉर्मल आ रहा है, तुम्हारे सीने की तरफ आ रहा है उसका नॉर्मल आ रहा है ना। यस। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल तुम्हारे आंखों की तरफ आ रहा है ऐसे। बोलो यस। यस सर। ये 90 डिग्री का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें, है कि नहीं है, है ना। यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तुम्हारी कॉपी में जैसी लाइन बनी हुई है ना अंदर, वो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, वो लाइन बनी हुई है और नॉर्मल तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है। अब एक काम करो, कॉइल को धीरे धीरे दाएं तरफ मोड़ना शुरू करो। तो देखो कॉइल को, मतलब कॉपी को धीरे धीरे दाएं तरफ मोड़ना शुरू करो। सब लोग कोशिश करो, जैसे मैं आप लोग को यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ वैसे इनको, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ इन बच्चों को, बस ये एक संतुष्ट भाव में बैठे हुए हैं कि हमको ऑफलाइन मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, ये भी वही कथा सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। तो ये जो है ये आप मोड़ रहे हो, ठीक ना, ये आप मोड़, ये लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि हमने कोरोना में ऑफलाइन स्टडी पढ़ी, इनको किसी ने बता दिया है कि रिकॉर्ड बनेगा। तो ये अब मोड़ना शुरू करो, अब जैसे जैसे मोड़ोगे तो तुम ध्यान से देखो, ये नॉर्मल जो है कम होता जाएगा एंगल, हो रहा काम कि नहीं हो रहा, बोलो यस राज। यस सर। और एक समय जब तुम्हारी कॉइल टोटली मुड़ जाएगी, टोटली मुड़ गई मतलब ऐसी तुम्हारी कॉइल जो है, कॉइल का तुम्हें केवल पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, कॉइल ऐसी भग गई तुम्हारी, देखो तुम्हारी कॉपी ऐसी हो गई होगी, किताब जो भी है, मतलब तुम्हारे सामने केवल एक कॉपी का बॉर्डर दिख रहा होगा। उस समय देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और कॉइल का नॉर्मल भी कहाँ होगा, यहाँ हो गया। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो उस समय एंगल कितने डिग्री हो गया दोनों के बीच का, जीरो डिग्री, और अभी कितने डिग्री था, 90 डिग्री। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आ गया। सभी को आया समझ में बच्चों। यस सर। यस सर। तो आप देखिए एंगल कैसे बदल रहा है, जरा फीलिंग करना इस चीज की। देखो क्वाइल अगर तुमने ऐसी रख दी तो एंगल शुरुआत में कितना था, 90 था, और फिर उसके बाद एंगल घटा, फिर एंगल बढ़ेगा पीछे की तरफ से और फिर एंगल घटेगा, मतलब पहला एंगल 90 पर है अभी इस तरीके से रिकॉइल रखी हुई, तो पहला एंगल 90 पर है ना, ये मान लो आप एंगल को देखो तो ऐसा कुछ समझ लो, ये 90 है, 90 से कम होएगा, समझ गया ना, हाँ। जीरो हो गया, फिर 90 होगा, फिर इसके बाद बढ़ेगा, फिर कम होएगा, हाँ। फिर बढ़ेगा, फिर कम होएगा, फिर बढ़ेगा, बोलो यस कि नो। यस सर। Yes, मतलब थीटा जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई। अब इसी थीटा को चेंज होने की वजह से मुझे निकालना है कि भैया ईएमएफ कितना डेवलप होगा, ठीक है ना। चलो अब इसको इरेज करता हूँ और टेक्निकली इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पढ़िए हंसिका, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। Magnetic flux phi can be changed by changing the relative orientation of the loop theta with the magnetic field B and hence EMF can be induced in the circuit. बिल्कुल सही, induce हो सकता है। ये देखो बच्चों, ये अपना magnetic field, ये आपकी किताब है जो दिखा रहा था। अब ये किताब कैसी है, अब ये किताब ऐसी है कि बस आपको उसका border दिखाई दे रही है, मतलब यदि मैं इस समय angle की बात करूँ। हाँ आर्यन बताओ, बताओ तुम ही बताओ आर्यन, ये बताओ इस समय angle कितनी degree है, theta कितनी degree है। बिल्कुल सही, 0 डिग्री, क्योंकि इसका नॉर्मल भी यहीं भागेगा और बी भी यहीं आ रहा है, ये देखो, और ये घुमा, देख रहा कॉइल को घुमा दिया ना,
ये देखो कॉइल घुमा दिया। अब देखो, अब जो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड तो ही है, मगर कॉइल अपनी किताब घुमा करके देखो थोड़ी सी, ये थोड़ा सा नॉर्मल इसका यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये एंगल क्या है, थीटा, यही है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल। देखना बच्चों फिर से, ये कॉइल घूम रही है ना, रेखा किस तरीके से घूमेगी कॉइल, ये देखिए, ये देखो इस तरीके से कॉइल घूम रही है ना, पूरी घुमा दूंगा, पूरी घूम जाएगी, ठीक ना। तो ये इस तरीके से कॉइल घूम रही है ओमेगा स्पीड से, तो कॉइल की स्पीड ओमेगा, तो मेरे को रिलेट करना था थीटा और ओमेगा को। तो हमने पढ़ा था बचपन में कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। चलो भाई अब कन्वर्ट करते हैं, आ जाए रिलेशन में, कॉइल का नाम ले लो, बढ़िया सुंदर सा कॉइल बना लेना, अब मत बनाओ, है ना। पी क्यू आर एस कॉइल ले ली, ये देख लो इसका नॉर्मल बाहर की तरफ है, ये इसका नॉर्मल जो मैं बना रहा था ना बार बार, उसको मैंने बाहर, मैंने यहाँ पे सजाया था ये नॉर्मल, इन लोगों ने यहाँ पे सजा दिया है। तो मेरा नॉर्मल कहाँ निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना, देखो ना किताब को मोड़ के देखो, ठीक ना, तो यहाँ पे निकलेगा। तो इसको चाहे ऐसे बना दो, ऐसे निकलेगा ना ऐसे। अरे भाई फिर भूल गया ये, गजनी कसम से यार, ये देखो नहीं मेरे को, मैं क्लियर, देखो सर। देखो पहले ये नॉर्मल ऐसा था, अब जब ये किताब तुम मोड़ोगे तो किताब के ऊपर डंडा फंसा दो, तो जब किताब मोड़ेगी तो डंडा घूमेगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये वही मैं कह रहा कि हाँ एग्जैक्टली, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो उसको मैंने वहीं पर वो ऊपर बना दिया है, तो वो ऐसा दिखेगा, देखना अभी ये वो मुड़ गई, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो है उसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना, ये देखो उसी डायरेक्शन में, हल्का फुल्का चलता है उतना, ठीक ना, तो इसलिए आ गया। चलिए बच्चों सबको क्लियर, यस सर, चलिए ठीक है, यस सर, ओके। ये देखिए थीटा, यस सर, ये क्या है, थीटा है, वही जिसको मैं कह रहा था, एंगल इसके बीच का नॉर्मल के बीच का थीटा है। चलिए तो करते हैं सॉल्व बच्चों, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एन है तुम्हारी मर्जी, लपेटना लपेटो, ना लपेटना ना लपेटो, हटा दो यहाँ पे एन, एक कॉइल रख दो, समझ गए ना, वन रख दोगे तो एन की जगह एक कॉइल आ जाएगी, दस रख दोगे तो दस कॉइल आ जाए, दस कॉइल, एन बी ए कॉस थीटा, थीटा को हटाओ, थीटा को हटाओ यहाँ से, थीटा की जगह ओमेगा टी, ये देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ओमेगा टी रख दो। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ, ई इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी बाई डी टी, फाई को अंदर ठोल दो, फाई क्या है, एन है, बी है, ए है, कॉस है, ओमेगा टी है, ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा, मतलब सब के सब कांस्टेंट है। चलो कान पकड़ के बाहर निकालो इनको, माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। चलो अब कॉस का डिफरेंशिएशन करना है, चलो बताओ भाई जय, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कॉस का डिफरेंशिएशन, चलो जय बताओगे डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जय बताएगा और कोई नहीं बताएगा, नहीं जय बताओ डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अपन ने अभी पढ़ा है मैथ्स में डिफरेंशिएशन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है भैया, और इतना गजब डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैथ्स में कि बहुत सारे, बताओ जय जल्दी से डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा, जय क्यों हो चुप बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों भाई जय, डी बाई डी एक्स कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताओ, यश तुम बताओ, सर किसका, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, सर कॉस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स, माइनस साइन टू एक्स, क्यों सही है, गलत है भाई साहब, हाँ कॉस के ऊपर डंडा चला तो पहले हुआ साइन, और फिर टू एक्स के ऊपर चलेगा तो टू भी बाहर निकल करके आएगा टू साइन टू एक्स, क्यों भाई भूल गए क्या, इसको टी लेकर के करना पड़ता है। Yes, चलिए देखिए बायो वाले बच्चे याद रखेंगे कैसे करना, उनके लिए सीधे सीधी बात बताऊंगा, एन बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी,
माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, मगर बेटा जो टी के साथ चिपका रहता है ना उसको बाहर लाना पड़ता है, ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो कितना हो गया बच्चों, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्या हो गया प्लस, ये बन गया एन बी ए ओमेगा, ओमेगा पीछे से आगे लेगा साइन ओमेगा टी। चलो नोट करो ईएमएफ, यहाँ तक नोट करो सब लोग कॉपी में। जय क्लियर है? यस सर। यार करो प्रैक्टिस यार, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस लिखाना है ये? कॉस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। लिख लिए? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो यार, ये जो एन बी ए ओमेगा है ना, ये पूर्ण रूप से कांस्टेंट है, क्योंकि एन बी कांस्टेंट है, बी बी कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, और क्वाइल फिक्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, इस कांस्टेंट को बोलते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्यू ई नॉट। क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है। हर्षिता लिख लिया तुमने ये सब? यस सर। कहीं दिक्कत आए हर्षिता बोला करो। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको अपन ई नॉट बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं ई नॉट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिर बताऊंगा, जगह नहीं है। देखो क्या देखा हमने, हमने देखा ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यार ओमेगा टी क्या है, थीटा है, अपना काम निकल गया है, ओमेगा टी को थीटा रख देते हैं थोड़े समय के लिए। अब आप ये बताओ बच्चों कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू वन होती है। तो जिस समय ये मैक्सिमम होगा, जिस समय साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसी समय तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ना ये बदल सकता, ना ये बदल सकता, ना ये बदल सकता, ना ये बदल सकता, बदल कौन सकता है, यही बदल सकता है। तो जिस समय ये सबसे ज़्यादा होगा, उस समय ये पूरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो साइन थीटा को वन रख दो, तो देखो उस समय क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, E इक्वल टू बचेगा केवल एन ए बी ओमेगा ही बचेगा। मतलब ये साइन, ये E की मैक्सिमम वैल्यू हुई, और फिजिक्स में किसी की मैक्सिमम वैल्यू को किससे शो किया जाता है, E नॉट से। तो अब यदि एक्सप्रेशन पे मैं वापस आऊँ, तो ये E इक्वल टू जो आपके पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है, ये जो पूरी की पूरी पार्टी है, ये क्या है, ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू। सो वी कैन राइट इट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो नोट कर लो बच्चों, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E नॉट इज कॉल्ड एन बी ए ओमेगा। E नॉट जो है वो है एन बी ए ओमेगा, क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ, समझ गए ना, पीक वैल्यू ई एम एफ। चलिए तो ये हो गया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो ई एम एफ है वो किस वेव को फॉलो कर रहा है, साइन वेव को। तो यदि आप साइन टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा वेव निकलेगी, साइन वेव। तो साइन वेव ये हुआ करती है, देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, फिर ये माइनस ई नॉट, समझ गए। तो ये बन गया आपका ई एम एफ का, इसी वजह से ये जो वोल्टेज निकल रहा है, इसलिए इसको बोला गया साइनोसोइडल। क्या बोलते हैं, साइनोसोइडल, क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो कर रहा है। साइन वेव यही होती है,
पढ़ने की जरूरत भी नहीं साइन वेव को। देखो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और साइन 90 कितना होता है, वन। तो चलो जीरो से लेकर के वन, जीरो पे जीरो यहाँ तो है, वन दौड़ के आगे। फिर इसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे पढ़ते हैं यह, तो इसी को बोलते हैं साइन वेव। जो साइन के रूल को फॉलो करे उसको बोलते हैं अपन साइन वेव। चलो ठीक है, तो आगे की बात बताते हैं जो इसको अपन ने पढ़ लिया। केवल आप इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी नोट कर लें। चलिए यस बच्चों नोट करें, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने स्मॉल ई लिया था, आप कैपिटल लेके चलेंगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज कॉल्ड एन ए बी ओमेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। डन, लिख लिया। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो। हाँ सर। तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ क्योंकि साइन वेव को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिक्स फंक्शन साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ओमेगा टी को चाहे गैप कर दो तो थीटा लिख दो, इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस नहीं पकड़ेगी, इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा लिख सकते हो आप इसको। तो ये साइन वेव को फॉलो कर रहा है इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग साइनोसोइडल ईएमएफ, ठीक है ना, क्योंकि साइन की जो वेव जाती है बच्चों, साइन का फंक्शन वो ऐसे जाता है, अल्टरनेटिंग होता है, वो रिपीटिंग होता है। देखिए ये ग्राफ बनाना है मेरे को, पहले प्लस जाएगा फिर माइनस जाएगा। तो द ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली विद डायरेक्शन टू गिव राइज टू ईएमएफ। ये लो भाई ये ग्राफ है, दौड़ा दो जीरो से, खटाक बन गई साइन वेव। तो ये जो वोल्टेज आपका निकलता है वो ये है। आप मुझसे किसी भी टाइम पे पूछ ले कि सर ये क्यों लिखा है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे यहाँ पे पूछ लें कि सर क्या दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर ये टाइम का फंडा क्या है, टी बाई फोर टी बाई टू, ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, पाई बाई टू। क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो देखो फिर से ये ग्राफ है, क्या निकाला आपने, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़े समय के लिए साइन थीटा ले लो, चलो पहले थीटा ले लो, थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, साइन जीरो, बोलो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, सब कुछ स्वाहा, मतलब ई एम एफ कितना हो गया, जीरो। बच्चा लोगों थीटा बराबर जीरो डिग्री पर साइन जीरो कितना होता है, टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो ना, साइन जीरो बराबर जीरो होता है, तो ई एम एफ कितना हो गया, जीरो। अगला 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, वन। तो वन पुट करोगे तो कितना आएगा, ई नॉट इंटू वन कितना गिरेगा, ई नॉट गिरेगा, तो कहाँ तक जाएगा, ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू गई कितने पर, 90 पर। अब 90 डिग्री कोई तो रेडियन में पाई बाई टू बोलते हैं, क्लास 11th में सीखा होगा, रेडियन में बदलने के लिए काय का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 का, तो पाई बाई टू आ गया, ये देखो इसको पाई बाई टू लिख दिया। बस उसके बाद सांप दौड़ा दो, ये गया, ये दौड़ा दो। अब ये 90 है तो 90 की टेबल 90 जीरो जा जीरो, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360। अब रेडियन में कन्वर्ट करते जाओ, पाई अपॉन इंटू पाई अपॉन 180, ले 180 इंटू पाई अपॉन 180, क्या आ गया, पाई आ गया, ये लिख दिया पाई, ये देखो समझ गए, ठीक है ना, तो ये पाई बन गया। ये ऐसे देख लो, पाई बाई टू वन जा पाई बाई टू, पाई बाई टू टू जा पाई, पाई बाई टू थ्री जा थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू फोर जा टू पाई, क्यों, पाई बाई टू इंटू फोर, दो से दो कट गए तो टू पाई। यार सारी बातें बता दी मैंने, एलेवेंथ वाला भी काम करा रहा हूँ मैं आपको। देखो अब इसके बाद टाइम पीरियड की बात है, तो टाइम पीरियड में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्या होता है देखो बच्चों, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ऐसे समझो, अगर लॉजिकली तुम समझना चाहते हो तो देखो टाइम पीरियड निकालना है, टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, बस ये जान लो, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, चलेगा क्या, ओमेगा की जगह थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ओमेगा कहाँ अलग है, ओमेगा अलग है थीटा अलग है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो ठीक है ठीक है, ये निकाल सकता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टी मैं बता रहा हूँ, ये टी ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ,
चलो देखो कैसा ये टी क्यों है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ टाइम पीरियड स्मॉल टी इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा। बेटा थीटा ओमेगा की वैल्यू होती है क्लास 11th में पढ़े होंगे 2 पाई बाई टी। अब ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। अगर भूल गए हो तो एक क्वेश्चन और याद दिलाने करता हूँ। आपने पढ़ा होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, और फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। और अगर ये भी भूल गए हो 2 पाई बाई टी, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और अपॉन टाइम। तो यार ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो कितना आ जाएगा टी पल्टी मार के ऊपर चला जाएगा टी थीटा अपॉन कितना 2 पाई। चलिए पहला एंगल कितने डिग्री है, पाई बाई टू है, थीटा की जगह रख दो पाई बाई टू। तो टी इज इक्वल टू टी इंटू पाई बाई टू अपॉन पाई, पाई से पाई और टू नीचे आ गया तो कितना बच गया टी बाई फोर। ये देखो टी बाई फोर आ गया। दूसरा एंगल पाई रख दो यहाँ पे, तो देखो दूसरा एंगल पाई रख दो तो टी इज इक्वल टू टी इंटू यार यहाँ पे पाई और यहाँ पे टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया टी बाई टू ये आ गया। तो ठीक है, और इतना कुछ नहीं, इसी प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाता है। सभी बच्चे बोले मेरे को समझ में आया, ये कैसे आया? यस सर। चलो अगर अगर ये भी तुमको समझ में नहीं आया है तो एक और तरीका है, अपनी कॉपी जो है सीधे रख लो सामने, अपनी कॉपी सीधे सामने रख लो बिल्कुल फ्लैट। जब उसको एक चक्कर घुमाओगे तो वो बनता है 1 टाइम पीरियड, बोलो बनता है कि नहीं बनता? जब उस कॉपी को पूरा एक चक्कर ऐसे रखी है कॉपी तुम्हारी, जब उसको पूरा तुम एक चक्कर घुमा के ले आओगे तो वो कहलाता है 1 टाइम पीरियड। अब देखो जब तुम उसको घुमाओगे और एंगल 90 डिग्री पहुंचेगा यहाँ पे, तो तुमने उसको कितना घुमाया है, 1/4 घुमाया कि नहीं घुमाया बोलो? ये जो है इसको 90 डिग्री से घुमाया तो 1/4 ही तो हुआ, टाइम कितना लगेगा टी बाई फोर, और घुमा दो तो आधा टाइम यूज हो गया तो टी बाई टू, और घुमा दो तो 3t/4, और घूम करके वापस आ गया तो पूरा टी, मतलब चार हिस्सों में बांट, चार हिस्सों में टाइम को बांट दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो इतना डिटेल में मैंने बता दिया है यहाँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी, फिर भी मैंने समझा दिया कि आप भूल भूल गए हो। मेनली क्या है, मेनली ग्राफ की ज़रूरत है। तो ग्राफ क्या है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना लीजिए, ये इसका ई एम एफ है। अब बच्चों दो चीज़ें हैं कि आप कॉइल कहाँ से रख के स्टार्ट कर रहे हो। देखिए आप कॉइल कहाँ से रख करके स्टार्ट कर रहे हो, ई एम एफ आपका कहाँ से रख के स्टार्ट होगा। एकदम से काफ़ी सारी टफ चीज़ें एक साथ आ गई हैं, चलो ठीक है। अब इसको मैं कल बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टफ है ये, थोड़ा सा काफ़ी नहीं, दो पार्ट हो गए, एक पार्ट मैंने समझा दिया है, इसको मैं कल बताऊंगा। तो ये होती है अपनी, इसमें 90 से चालू करेंगे। हाँ बस 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 इतना ही फ़र्क है, एक में जीरो से चालू किया, एक में आपने 90 से चालू करेंगे, बिल्कुल सही बात है, एक में आपने जीरो से चालू किया। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों की देखो, अभी जो अपन ने क्वाइल स्टार्ट की थी उसमें एंगल शुरुआत में जीरो था, ये देखो यहाँ पे जो है एंगल कितने डिग्री था, देखो शुरुआत में जीरो था। उसका रीज़न क्या है ये देखो, क्योंकि इसका नॉर्मल भी यहीं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो यहाँ से क्वाइल था। अब क्वाइल को कैसे स्टार्ट करोगे, अभी तक क्वाइल आपकी ऐसे स्टार्ट हुई थी तो आपका जो फॉर्मूला बना था वो बना था साइन का, और जो आपकी वेव निकल के आई थी वो निकली थी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपकी क्वाइल फ्लैट मोड से घूमना स्टार्ट होगी इस तरीके से, अभी आपकी क्वाइल ऐसी घूमी थी, अब आपकी क्वाइल यदि यहाँ से घूमेगी, मतलब शुरुआत वाला एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा E इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप अपनी क्वाइल को कैसे घुमा रहे हैं। तो दो फॉर्मूले बनेंगे, इसमें साइन बनेगा और दूसरे वाले में कॉस बनेगा। तो कल बनवाएंगे कॉस का फॉर्मूला, चिंता की बात नहीं है। कॉस कैसे आया इसी में देख लीजिए, अगर आपको कॉस कैसे आया देखना है तो इस वाले को यूज़ किया था, तो फॉर्मूला क्या बना था, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ। अब जब यदि आप इस क्वाइल को फ्लैट कर रहे हो, मतलब आप अपना इनिशियल एंगल कितना दोगे, पाई बाई टू प्लस दोगे ना भाई, इसको घुमा दोगे ना, तो क्वाइल सामने 90 डिग्री से फ्लैट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, E नॉट साइन ओमेगा टी में और ऐड कर दो, कितना
पाई बाई टू। अब बच्चों बचपन में पढ़े होगे कि साइन 90 प्लस थीटा, 11th क्लास में क्या पढ़े हो, कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, तो आंसर आ जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला साइन में जा रहा था, ये देख लो भाई, थीटा प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करोगे तो वो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। कल इसको और डिटेल में बता देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो कल इस पर बात करेंगे। चलो इसको अच्छे से कर लेना, जो ना समझ में आए पूछना, ठीक है ना, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, चलिए थैंक यू सर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू बच्चों।